रियल स्टेट सेक्टर पहले से ही संकट के दौर से गुजर रहा था और अब कोरोना महामारी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि साल के पहले 9 महीनों में कोविड-19 महामारी ने इस सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले साल के पहले 9 महीनों की तुलना में इस साल पूरे देश में रियल स्टेट की बिक्री में 43% की कमी आई है। देश के 7 टॉप शहरों बेंगलुरु, NCR, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में पिछले 9 महीनों में 88,730 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी। इस बार इसमें 65,590 करोड़ रुपए की कमी आई है, क्योंकि पिछले साल यह आंकड़ा 1,54,320 करोड़ रुपए का था। गुड़गांव में इस साल अब तक केवल 3,800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 10,136 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी थी। NCR के शहरों में गुड़गांव में ही सबसे अधिक बिक्री प्रभावित हुई है। नोएडा में साल के पहले 9 महीनों में प्रॉपर्टी की बिक्री 1,519 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल ये 3,899 करोड़ रुपए रही थी। बात करें NCR की तो इस साल कुल बिक्री 9,430 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल 24,860 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। इससे पता चलता है कि इसमें 62% की कमी आई थी। ग्रेटर नोएडा में पिछले साल पहले 9 महीनों के दौरान प्रॉपर्टी की बिक्री 5,723 करोड़ रुपए रही थी, जबकि इस बार ये केवल 2,066 करोड़ रुपए पर आ गई। गाजियाबाद में पिछले साल सितंबर तक बिक्री 2,845 करोड़ रुपए रही थी, जबकि इस बार ये घटकर 1,055 करोड़ रुपए पर आ गई है। दिल्ली में भी प्रॉपर्टी की बिक्री 1,364 करोड़ रुपए से घटकर 655 करोड़ रुपए रह गई। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।